तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आज जनरल इंट्रोडक्शन है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल रियलिटी में क्या होता है, फोर पॉइंट्स है अपने पास, एनी फोर पॉइंट्स, जो कि कोलिनियर नहीं है। ऐसे फोर पॉइंट्स ए बी सी और ये डी, ये फोर पॉइंट्स थे मेरे पास एक प्लेन सरफेस के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर नहीं थे। अब बात आती है कोलिनियर की। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर नहीं हो। जैसे मान लिया मैंने ये लिखी वन टू और ये थ्री पॉइंट, मैंने एक लाइन से ज्वाइन किया, क्या मेरे तीनों के तीनों पॉइंट पॉइंट ए बी एंड सी एक ही नंबर लाइन के ऊपर यानी एक ही लाइन के ऊपर मिल गए। व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट आर लाइज ऑन द सेम लाइन, व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट, व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट आर लाइज ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ ये बता रहा है कि ए बी सी डी जो पॉइंट हमने लिए हैं वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। इट मीन्स वो एक साथ एक ही लाइन में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, देखो मैंने ए को डी से ज्वाइन किया, सेकेंडली ए को बी से ज्वाइन किया, फिर बी को सी से ज्वाइन किया एंड फाइनली सी और डी को ज्वाइन कर दिया, है ना। ऐसा करते हमारे पास एक फिगर बन गया सरफेस के ऊपर और यही फिगर जो था हमारा क्या कहलाया, क्वाड्रिलेटरल कहलाया। क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड फिगर। कोलिनियर पॉइंट की बात की थी, व्हेन थ्री और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट आर लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर। इस मान लीजिए एक लाइन बनाइए, देखो हमें ये बताया कि किसी भी एक लाइन के टू एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट ओवरऑल कितने होते हैं अपने पास में, टू होते हैं ए और बी मान लिया। अब मान लिया मैंने यहाँ एक सी भी रख दिया, यहाँ एक डी भी रख दिया, ये तो लाइन के ऊपर बने। अब मान लिया मैंने एक बाहर पॉइंट लिया आउटर में ई, नीचे साइड में पॉइंट ले लिया एफ, क्या मेरा पॉइंट ई और एफ इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। यानी पॉइंट ई एंड एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट बट सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट, क्यों, क्योंकि हमारी एक ही लाइन के ऊपर मिलने वाले थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। आई बात समझ में। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन में भी हमें वही कह रहा है कि हमने अगर किसी प्लेन सरफेस के ऊपर ओवरऑल फोर पॉइंट लिए जो कि कोलिनियर नहीं थे, हमने ओवरऑल कितने पॉइंट लिए, फोर पॉइंट लिए, दैट इज ए बी सी डी, और इन चारों पॉइंट जो कि आपस में क्या थे, कोलिनियर नहीं थे, इनको अगर आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करते जो फिगर दिखा मेरे को वो बना मेरा क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मींस हो गया फोर साइडेड फिगर। अब इस फोर साइडेड फिगर में बात करते हैं कि वो बेसिक जनरल नॉलेज देखना है हमें, ए बी फिर बी सी फिर सी डी और फिर डी ए, ये फोर की फोर इसकी क्या कहलाई, आर्म, आर्म कह दो या फिर इसको साइड कह दो, बात एक ही है, आर्म तो हो जाए साइड दो। उसके बाद मिला मुझे ए बी सी और ई डी जो कहलाए इसके वर्टेक्सेस, ए बी सी डी क्या कहलाए मेरे वर्टेक्सेस। यहां फोर कॉर्नर पर बनने वाले एंगल, तो यहां मान लिया एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वर्टेक्स की बात कर ली हमने, आर्म्स की बात कर ली, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो मेरी एडी साइड, ध्यान से सुनते रहना, मेरी एडी साइड इस एडी साइड को पॉइंट ए पर ज्वाइन कर रही है ना। एडी साइड इस एडी साइड को पॉइंट ए पर क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, मीट कर रही है, उससे मिल रही है। तो ये जहां मिलती है वहां पर ये बना हमारा दो साइड जो ए की पॉइंट पर मिली, और ये साइड कहलाती है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ठीक है। जैसे मान लिया ये चला देगा, ये मेरा एक हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ, यहां पे ज्वाइन हो गया। तो ये जो दोनों पार्ट बने, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, एडजेसेंट पार्ट बनेंगे। क्या कहलाएंगे मेरे, ये एडजेसेंट पार्ट। क्लियर है। जैसे मान लिया अगर इस पेयर की बात करूं मैं, तो एक ये और एक ये हो गया। अगर एबी और बीसी की बात करूं तो एबी और बीसी वाला पार्ट भी हो गया मेरा एक एडजेसेंट पार्ट। अगर मैं बीसी और सीडी की बात करूं तो ये मेरा बीसी का पार्ट, ये मेरा सीडी का पार्ट, ये भी आपस में एडजेसेंट हो गया। अगर मैं एडी और बीसीडी की बात करूं तो ये मेरा ये पार्ट भी आपस में क्या हो गया, एडजेसेंट पार्ट। यानी एडजेसेंट का पेयर कौन कौन बना, कि एडी एंड एबी। फर्स्ट पार्ट बना मेरा, सेकेंड पार्ट बना एबी एंड बीसी, थर्ड पार्ट इज बी सी एंड सी डी, एंड फोर्थ पार्ट इज सी डी एंड ए डी। ये सारी की सारी क्या कहलाई मेरी, एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये सारी क्या कहलाई अपनी, एडजेसेंट साइड कहलाई। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें, फोर पॉइंट थे जो कहां पड़े थे, किसी सरफेस के ऊपर थे, और वो पॉइंट आपस में नॉन कॉलिनियर पॉइंट थे। क्या थे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट थे। इट मीन्स एक दूसरे के एक ही लाइन के ऊपर एडजस्ट नहीं थे। कॉलिनियर की डेफिनेशन बता दी थी, व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर थ्री और थ्री से ज्यादा पॉइंट अगर है तो वो पॉइंट कहलाते हैं अपने कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। यहां हमने बात की है कि पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। देन इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ए बी बी सी सी डी और ए डी बने। तो ये क्या बन गई, ए बी बी सी सी डी और डी ए जो थी वो हमारी आर्म्स या साइड्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर बन गई, आर्म्स या फिर साइड्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर बनी। क्लियर थी बात। उसके बाद ए बी सी डी फोर क्या थे, वर्टेक्स थे इसके, और चार फोर वर्टेक्स लिख दिए मैंने। फिर एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी आर एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब देखो मैंने एंगल ए बी सी डी ऐसे लिखा है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते। देखो एंगल डी ए डी डी ए बी, उसके बाद एंगल ए बी सी, बात वही है। घूम फिर के देखो जो मिडल पार्ट होगा वो अपना मेन एंगल होता है। इसमें मिडल पार्ट कौन था, ए। सेकेंड में मिडल पार्ट कौन है, बी। तो उसको थॉट में हम लोग एंगल ए और एंगल बी भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की एडजेसेंट साइड की, एडजेसेंट साइड क्या थी, ऐसी दो साइड जिनका एक एंड पॉइंट सेम हो, यानी एक ही पॉइंट पर आकर क्या करती हो, मीट करती हो, मिलती हो। जैसे देखो मैंने यहां बनाया ए बी और ए बी, इनमें कॉमन पॉइंट कौन रह गया मेरा, ए। ए बी और बी सी, इसमें कॉमन पॉइंट कौन रह गया मेरा, बी। बी सी और सी डी कॉमन पॉइंट कौन रह गया, टी। और सिमिलरली सी डी और ए डी में कॉमन पॉइंट कौन रह गया मेरा, डी। यानी यहाँ पर ये क्या कर रही थी, आपस में मीट कर रही थी, मिल रही थी। आई बात समझ में। तो हमने पहले इसमें क्या देखा, वर्टेक्सेस देख ली, इसकी साइड यानी आर्म्स देख ली, उसके एंगल्स देख लिए, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हो चुकी है अपनी। अब चलते हैं इसके डायगोनल के पास। तो इस डायग्राम को एक बार के लिए मैं रब करूंगा यहां से, और वापस दोबारा बनाते हैं इसी चीज को, वापस इसी फिगर को, इसी कोऑर्डिनेटर को दोबारा बनाएंगे हम लोग। काम हो क्या रखा है उसको टाइम लिख देते हैं। साइड एंगल
vertexes adjacent angles, ठीक है, बनाया वापस दोबारा मैंने एक कोऑर्डिनेटर बनाना था, मैंने एक कोऑर्डिनेटर बना दिया, लो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर बनाया मैंने, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, वर्टेक्सेस क्या होते हैं, साइड्स क्या थी, एंगल्स क्या थे, सारे कर लिए हमने। अगर मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं, यानी ए को अगर मैं सी से ज्वाइन कर दूं और अगर बी को मैं डी से ज्वाइन कर दूं, तो इस कंडीशन में मेरे को मिलते हैं डायगोनल, क्या मिलते हैं डायगोनल। अब डायगोनल कौन बना, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो थी मेरी, वो लाइन मेरे क्या कहलाती है, डायगोनल। यानी इसमें डायगोनल कौन कौन हो गया मेरे अकॉर्डिंग, एक तो ए सी हो गया, एक हो गया मेरे बी डी, ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमें पता क्या चलेगा कि खाली डायगोनल दो ही बनेंगे, डायगोनल दो ही बनेंगे वो हमें पता क्या चलेगा, है ना। तो कल हमने एक फॉर्मूला किया था, याद हो तो शायद, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमने कल की क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, याद हो तो, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, है ना, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, जहां क्या होती थी नंबर ऑफ साइड। अब क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी है, फोर, ये देखो फोर, फिर फोर माइनस थ्री अपॉन टू, फोर मैंने थ्री लेस किया, वन अपॉन टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, डायगोनल कितने बनेंगे, टू, कितने बनेंगे, टू। तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं अपने पास, के टू होते हैं। अगली बात समझ में, तो यहां तक अगर आपके पास टोटल फाइव पॉइंट मैंने बताया आपको एंगल्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां तक हमने ओवरऑल सीख लिया टोटल फाइव पार्ट, ठीक है। उस फाइव पार्ट के बाद नेक्स्ट कौन सा दिखता है, मैं सिक्स नंबर पार्ट पे चेक करें उसको। तो यहां से तो बात की हमने जनरल बातें, ठीक है, एडजेसेंट पार्ट की बात करते हैं, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। सिक्स नंबर टॉपिक क्या है अपना, अपोजिट साइड। अब देखो इस ए बी के अपोजिट में कौन है, बी सी, इस ए बी के अपोजिट में कौन है, सी डी। तो फर्स्ट पेज कौन बना, ए बी एंड बी सी, एंड सेकेंड वन बना मुझे ए बी एंड सी डी अपोजिट, जिसके अपोजिट में देखो, जैसे मान लिया इसके अपोजिट में ये बार था, इसके अपोजिट में ये बार था। सिमिलरली एक चीज और देखें, जैसे अपोजिट साइड थी, अपोजिट एंगल्स भी तो बनेंगे, अपोजिट एंगल्स। ए के अपोजिट में कौन है, सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी, ये फर्स्ट पार्ट बना, और सेकंड बन जाएगा एंगल बी एंड एंगल डी। तो अब तक हमने क्या देखा, साइड देखी, टोटल फोर साइड क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, साइड की बात एंगल देखे, तो जितनी साइड उतने एंगल, जितनी साइड उतने एंगल। उसके बाद क्या देखिए, वर्टेक्सेस, कितने साइडेड फिगर था अपना, फोर साइडेड फिगर, तो वर्टेक्सेस भी कितने मिलेंगे हमें, फोर। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट क्या मिली मैं पहले, साइड मिली है ना, तो साइड में क्या बताया मैंने, कि जब दो साइड एक किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से आकर क्या करें, मीट करें, मिले, तो कहलाती है एडजेसेंट साइड। फिर डायगोनल देखिए, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, डायगोनल क्या थे, अपोजिट साइड को मिलाने वाली, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, उसके
उसके बाद अपोजिट साइड जो एक दूसरे के उल्टे साइड में थे, ए बी के अपोजिट में सी बी और ए बी के अपोजिट में बी सी। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स मिल गए हमें, एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल, एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स की देखो, एडजेसेंट साइड की जब बात की थी मैंने, तो आपको ये बताया था कि जब दो साइड थी तो दोनों साइड एक ही वर्टेक्स के ऊपर मिलती है, एक ही वर्टेक्स के ऊपर मिलती है, तो ये दोनों साइड जो थी वो दोनों साइड मिलके क्या बन जाती थी, अपनी एडजेसेंट साइड बन जाती थी। ठीक है, अब बात करें एंगल्स के लिए, देखो साइड में टू साइड का पेयर बना था, वर्टेक्स एक था, है ना, वर्टेक्स क्या था हमारे पास, वन था और साइड हमारे पास टू थी। वही बात जब हम लोग किसके लिए करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स के लिए करेंगे, तो एंगल्स तो टू हो जाएंगे, साइड हो जाएगी वन। जैसे बात करें इसी फिगर की बात करूं छोटी सी, मैं एक बार देखो ये हो गई मेरी एक साइड पॉइंट ए और पॉइंट बी, टू वर्टेक्सेस हो गए, एक एंगल पॉइंट ए पर बन गया, दूसरा एंगल पॉइंट बी पर बन गया, यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। यानी एडजेसेंट साइड्स बनाने के लिए वन कॉमन वर्टेक्स होता है या टू साइड्स होती है, और एडजेसेंट क्या बनाना है हमें एडजेसेंट के लिए, एंगल। तो इस कंडीशन में साइड तो एक रहेगी, वन एंगल इधर बनेगा, सेकेंड एंगल इधर बनेगा, यानी ये फिगर बन गया, यानी यहां बनने वाले दोनों एंगल जो है वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो उस कंडीशन में उसके पेयर क्या बनते हैं, लिखे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो एंगल ए एंड एंगल बी फर्स्ट पेयर हो गया अपना, सेकेंड में क्या लिखेंगे, बी और सी, एंगल बी एंड एंगल सी, फिर थर्ड में आएगा एंगल सी एंड एंगल डी, फिर आएगा एंगल डी एंड एंगल ए, ओवरऑल फोर पेयर्स हो गए किसके लिए, एडजेसेंट एंगल्स के लिए। और फोर पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के लिए, फोर पेयर, यानी क्वाड्रिलेटरल की बात करें इसका मतलब सब कुछ फोर 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 ही बनेंगे। ठीक है, सब कुछ हमें फोर 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 ही मिलना है। तो यहां तक बात की हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं की है, मैंने केवल फोर साइडेड फिगर की बात की है, मैंने सिर्फ बात किसकी की है, फोर साइडेड फिगर की बात की है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मैं रोम्बस की बात कर रहा हूँ, मैं काइट की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, आई बात समझ में। मैंने आपको केवल जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, वो किसका दिया है, केवल और केवल क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या मिलती थी, ओवरऑल फोर साइड, फोर एंगल, फोर वर्टेक्सेस, फोर एडजेसेंट साइड, टू डायगोनल, फोर अपोजिट साइड, होते हैं क्या, नहीं, पेयर ऑफ टू। ठीक है, यानी अपोजिट साइड के पेयर कितने होंगे, टू पेयर्स बनेंगे, और अपोजिट एंगल्स के पेयर भी कितने बनेंगे, टू बनेंगे। क्लियर है, सिमिलरली बात की थी लास्ट में हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में, कि एडजेसेंट एंगल क्या होते थे, कि जो एडजेसेंट साइड्स में क्या दिया था हमने, कि टू साइड्स गिवन थी और उनका एक कॉमन वर्टेक्स हुआ करता था। और वही बात जब एंगल्स के बारे में करेंगे, तो एक कॉमन साइड होगी और उसके अपोजिट में टू एंगल्स बनेंगे। क्लियर है, यहां तक ये टोटल एट पॉइंट, अगर किसी को समझ नहीं आए तो हैंड्रेड पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है वो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी, हमें ये बताना पड़ेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितने डिग्री होता है। हमने देखो पहले की क्लासेस पढ़ी थी, उसमें हमने 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 का फॉर्मूला लगाकर
हमने ये निकाल दिया था, फॉर्मूला लगाया था हमने क्या कि 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 19, यहाँ नंबर ऑफ साइड क्वाड्रिलेटरल में होती है ओवरऑल 4, तो लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90, ये वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इट गिव्स 360 डिग्री होता है ना। ये तो हमने फॉर्मूले की बेस पर निकाल दिया। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है वो कि अगर प्रूव करके दिखाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने पास प्रूव दैट the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree। हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। करें शॉर्टकट में इसको, तो देखो बात किसकी करेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल की, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना ले पहले, ये लो अभी हमें इसे कुछ भी नहीं कहा कि रेक्टेंगल है स्क्वायर है क्या है, हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल इररेगुलर होता है। ठीक है, मान लिख दिया मैंने ए बी सी डी, हमें प्रूव क्या करना था कि इसके एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें गिवन क्या था, दिया हुआ क्या था, तो हमने लिखा गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्या था एक क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, तो लिखा मैंने टू प्रूव कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि चारों एंगल का सम मिलके कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, करें बात आगे। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, यानी वेरीफाई कर रहे हैं कि रियलिटी में होता है। देखो अगर मैं क्या करूं, इस ए को सी से ज्वाइन कर दें, अगर मैं इसको ए को सी से क्या कर दूं ज्वाइन कर दूं, अब कईयों के दिमाग में आ रही होगी कि सर ने ए को सी से ज्वाइन क्यों किया, बी को डी से भी तो ज्वाइन कर सकते थे, है ना, आई होगी कईयों के दिमाग बाद में, तो कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ए को सी से ज्वाइन किया है, आप लोग बी को डी से ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात, अपने आंसर सेम रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जैसा करो वैसा ही लिखना है। प्रूफ में क्या लिखा मैंने लिखा ज्वाइन ए एंड सी, मैंने ई और सी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मुझे क्या मिला, देखो आंखों के अंधे को भी दिखता है ना, देखो एक ट्राइंगल ऊपर बन गया एक ट्राइंगल नीचे बन गया, एक बन गया ए बी सी और एक बन गया ए डी सी, ओवरऑल टू ट्राइंगल्स बन गए, है ना, ओवरऑल कितने ट्राइंगल्स बने हैं, टू ट्राइंगल्स। और हमें ये पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, सबको बात बताइए तो, और हमने पीछे प्रूफ भी कर लिया था 2n माइनस 4 वाले फॉर्मूले से कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना मिलता है 180 डिग्री ही होता है। आगे बात समझ ले, तो चलो बात करते, देखो मैंने मान लिया यहां दिया एंगल 1, ऊपर दिया एंगल 2, 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट बात करूं मैं इन ट्राइंगल ए
एबीसी। ट्राइंगल किसकी बात की मैंने, एबीसी की। एबीसी में देखो एंगल वन टू और ये एंगल बी है ना, एंगल वन एंगल टू और एंगल बी तीनों मिलके कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यही बात थी हमारे पास, हमने ये सीखा हुआ है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे लिख देते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल और था अपने पास कि इन ट्रायंगल ए बी सी यानी ऊपर वाले पार्ट की, तो यहाँ एंगल 4, 3 और एंगल डी, एंगल 4, एंगल 3 और एंगल डी, ये तीनों मिलके भी कितने के होंगे कि 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल्स के ट्रायंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो हमने ओवरऑल क्या देखा, एक क्वाड्रिलेटरल को मैंने टू ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल को क्या किया हमने, टू पार्ट्स में तोड़ दिया और वो दोनों पार्ट कैसे थे, ट्रायंगल के पार्ट थे और दोनों ट्रायंगल पार्ट के अकॉर्डिंग कितने कितने के बने थे, 180 डिग्री और 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैंने क्या देखा कि मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। मैंने क्या किया, एनएचएस बार को एक साथ कर दिया, आरएचएस बार को एक साथ कर दिया। अब देखो एंगल 1 उसके साथ कौन है, एंगल 4, ये दोनों मिलते हैं तो किसको डिनोट करते हैं, एंगल ए को, तो इसको एंगल ए लिख दूं। एंगल 2 और एंगल 3 ये बैठे देखो दोनों साथ साथ कहां बैठे हैं, सी के पास, तो ये एंगल डी, इन दोनों की जगह लिखा एंगल सी, और लास्ट का आया डी, ओवरऑल करके दोनों में क्या हो गया 360 का। ये तो हमें ब्लू कलर का देखो सीक्वेंस आ गया ए बी सी डी, टू प्रूव में मैंने ये लिखा था एंगल ए बी सी डी को 360 डिग्री। यहाँ बनाया मैंने एक ब्लॉक और नीचे लिख दिया एच पी हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, हैज वेरीफाइड। हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल को ओवरऑल टू पार्ट्स में यानी टू ट्रायंगल्स में तोड़ दिया और टू ट्रायंगल्स में तोड़ने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लगाया मैंने, तो एंगल 1 2 और एंगल बी मिलके 180 बने। सेकंड केस में एंगल 4 3 और डी मिलके 180 बना। थर्ड कंडीशन में मैंने एनएचएस को एक साइड ऐड कर दिया, आरएचएस को एक साइड ऐड किया। ठीक है, ओवरऑल बने 360 डिग्री का। आई थिंक यहां तक की बात सब कुछ क्लियर है ना, आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।